ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का जिगर वांदरा वाला का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में जितने भी बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो और प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि गाइस मैं आप सभी के लिए ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियो लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना क्या है गाइस, आप सभी को उस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस आपको क्या करना है, फिर उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को। तो गाइस यहां पे मैंने मॉडल गाइस पहले से बैकग्राउंड इरेज कर रखा है, एंड गाइस जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप लोग सिंपली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगी, आप लोग उस वीडियो को देख के इजीली अपने बैकग्राउंड को इरेज करना सीख लेना, ठीक है। तो गाइस यहां पे आपको अपने मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप से बैलून के आगे आपको अपने मॉडल को रख देना है, एंड थोड़ा सा गाइस जो रोटेट वगैरह उसको आप अच्छे से देख लेना, एंड उसके बाद यहां पे आपको सिंपली कर देना है डन, ठीक है। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आप गाइस जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से ऐड करना आप सभी को एक पीएनजी जो कि गाइस स्मोक का। आपको गाइस क्या करना है, आपको उसका पहले ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यहां पे पहले कर देना है इसको स्क्रीन, एंड उसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन कर देना है, एंड गाइस इसको आपको ले जाना है एकदम नीचे, ठीक है गाइस कुछ इस टाइप से। एंड गाइस इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कर देना है डन। एंड गाइस उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आप सभी को जाना है टूल्स वाले ऑप्शन में, एंड गाइस उसके बाद जाना आपको अर्जेस्ट में। अर्जेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक सैचुरेशन, आपको उसको सिंपली गाइस -10 तक इसको सैचुरेशन को रख देना है, एंड गाइस उसके बाद आपको सिंपली इसको कर देना है यहाँ पे डन। ओके सो इसको हम यहाँ पे डन कर लेते हैं। अब गाइस आपको दोबारा जाना टूल्स में, फिर जाना आपको अर्जेस्ट में, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राइटनेस है जो इसको आपको उसको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना इरेजर टूल में, यहाँ पे आपको उसको इन्वर्ट कर देना, फिर आपको लेना ब्रश, एंड उसके बाद आपको साइज छोटा करना है, एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करके अपने मॉडल के ऊपर जो आप उस मॉडल की जो बॉडी है उसके ऊपर आपको कुछ इस टाइप से डोजन बन करना है, ठीक है। इससे गाइस क्या होगा कि आपका मॉडल जो है गाइस अलग ही लुक आएगा आपके मॉडल के ऊपर, एंड थोड़ा सा मतलब ब्राइट टाइप का आपका मॉडल दिखेगा, तो गाइस इससे जो है फोटो अच्छी लगती है, ठीक है। तो आप लोग ये करके देखना, अगर आपको अच्छी लगे तो यार आप उसको करना है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको गाइस कुछ इस टाइप से इसकी ओपेसिटी रख लेना अराउंड 6 तक, एंड उसके बाद कर देना आपको डन। एंड उसके बाद आपको इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, एंड इसको यहाँ से लेके चलना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस जो भी रिटच वगैरह होती है हमारी वो लाइट रूम ऐप में ही होती है, तो इसको हम लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। अब गाइस आपको क्या करना है, गाइस यहाँ पे जाना आप सभी को सिंपली लाइट वाला ऑप्शन में, एंड गाइस उसके बाद आपको इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है जो इसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो गाइस इसका जो हाईलाइट है आपको उसको थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देना है, एंड जो गाइस शेडो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देना है। फिर यहाँ पे गाइस आपको मिलेगा व्हाइट, आपको उसको व्हाइट थोड़ा कम कर देना है, एंड जो गाइस यहाँ पे ब्लैक होगा गाइस इसको थोड़ा सा कम कर देना है, एंड इसके बाद आपको जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, एंड गाइस उसके बाद आपको उसकी वाइब्रेशन बढ़ा देना है, एंड थोड़ा सा टेम्परेचर जो है हल्का सा कम कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जाना आपको यहाँ से कलर मिक्स में, आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस कर देना अपने फेस के अकॉर्डिंग, एंड गाइस ल्यूमिनस बढ़ा देना अपने फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप सबको जाना है गाइस ब्लू कलर में, आपको गाइस इसका जो ब्लू कलर है इसका ह्यू आप माइनस कर देना है, सैचुरेशन माइनस, एंड आपको जाना डार्क ब्लू में, अगर आपको इसका सैचुरेशन अच्छा लगे तो गाइस आप इसका सैचुरेशन माइनस करना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना नीचे वाले टूल में, फिर गाइस यहाँ पे आपका फोटो की जो क्लियरिटी है गाइस आपको उसको इंक्रीज कर देना है, गाइस जो फोटो में विग्नेट है वो हल्का सा डाल देना है अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि गाइस किसी को विग्नेट डालना होता है किसी को नहीं ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही डाल लेना। फिर उसके बाद आपको हमें थोड़ा ग्रेन माउंट डाल देना है, एंड उसके बाद जाना नीचे वाला टूल में, फिर यहाँ पर फोटो की शार्पनेस है जो उसको इंक्रीज कर देना है, एंड गाइस इसके नीचे मिलेगा आपको नोट रोक से आपको उसको भी बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रोक से आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी जो फोटो यहाँ पे पूरी एडिट हो चुकी है, तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए तो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि गाइस मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।